वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। और ये विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और सही से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो उसी कड़ी में ये एडिटोरियल भी आपका एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि जितने भी बच्चे जो इंग्लिश को जिनको फेस करना है वो बिना इसके आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास करें, अगर आपको इंग्लिश में बेहतर बनना है तो आपको एडिटोरियल को अपनी ताकत बनानी होगी। आप यहाँ पढ़ें, कहीं और पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, बट एडिटोरियल को अपनी ताकत बनानी होगी, क्योंकि वर्ड पावर वो चीज़ है जो इसके थ्रू बिल्कुल आसान हो जाती है। स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे आपके बेहतर होते जाते हैं, और मैं और भी काम करता जा रहा हूँ। आज भी मैंने कुछ सेगमेंट्स जोड़े हैं ताकि मैं और बेहतर आपको बना सकूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आपको इस लेवल पे लेके आऊँगा जहाँ पे आप कह सकेंगे कि अब इंग्लिश की वजह से आपको डर नहीं लगता है, आपकी वर्ड पावर बेहतर है, स्ट्रक्चर बेहतर है। स्ट्रक्चर बेहतर है ना, तो आपकी कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, कई सारी चीज़ें आपके काम आएंगे, ठीक है, आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 7 जून का अपना सेगमेंट, आज का सेशन अपना, जो 35th सेशन है मेरा बच्चों, ध्यान रखिएगा, 35th सेशन, 35वां सेशन लगातार मेरा एक तरह से चल रहा है, मंडे गैप करके एक तरह से पूरा लगातार मैं आपको पढ़ाए जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी, ये नेक्स्ट सेशन मेरा आपके सामने है, एक मिनट बस। ये कोट आज आपका बहुत अच्छा है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। लर्निंग यानी यदि आपको कुछ सीखना है, इज नेवर डन विदाउट एरर्स, तो वो सीख आपको बिना गलतियों के नहीं मिल सकती है, एंड विदाउट डिफीट, और बिना हारे नहीं मिल सकती। यानी अगर आपको कुछ सीखना है ना, तो हर हाल में आप गलतियां करेंगे, आप उनमें हारेंगे, असफल होंगे, और वही गलतियां, वही हार आपकी सफलता में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि एडिशन ने भी करीब 1200 प्रकार की गलतियां करने के बाद अंततः बल्ब बनाने में क्या हुआ था, वो सफल हुआ था। इसलिए कभी भी एरर्स से न घबराएं, गलतियों से न घबराएं, और डिफीट कभी असफल होने से, हारने से न घबराएं, क्योंकि हार में ही वास्तव में आपकी क्या छिपी होती है, जीत छिपी होती है। क्योंकि जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार उठने का हौसला हर बार आपका क्या होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सिनोनिम्स, जो रिवीजन कराने का सबसे बढ़िया माध्यम हो सकता है बच्चों। तो रिटेलिएटरी जो एक एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, इसको कौन सा सिनोनिम के रूप में यूज करेंगे आप, याद है आपको, रिटेलिएटरी क्या हो जाएगा, रिवेंजफुल, यानी प्रतिशोध से भरा हुआ, ये रिटेलिएटरी मीन्स रिवेंजफुल हो जाएगा। एग्जाम्पलरी याद है आपको, अनुशासनात्मक या अनुशासन से संबंधित, किसी आदर्श से संबंधित जो चीजें होती हैं, एक्शंस होते हैं, वो एग्जाम्पलरी एक्शंस होते हैं। डॉर्मेट्री वो रूम होता है, वो अवस्था होती है जब आप इनएक्टिव होते हैं, मीन्स निष्क्रिय होते हैं आप। टैक्टफुल चालाकी से भरा हुआ जो होता है वो टैक्टफुल होता है। रेस्ट्रिक्शन एक नाउन के रूप में आपको याद है, रेस्ट्रिक्शन मीन्स क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, कोई किसी पर अगर लिमिटेशन लगाया जा रहा है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, मीन्स उसे प्रतिबंधित किया जा रहा है, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन का क्या हो जाएगा, आपको याद है, कंस्ट्रेंट हो जाएगा, कंस्ट्रेंट मीन्स रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध। अमेंडमेंट क्या होता है, किसी सुधार को कहते हैं, संशोधन को कहते हैं। कंटेंटमेंट क्या होता है, संतुष्टि को कहते हैं। फार्मुलेशन किसी चीज को फार्मुलेट करना, अर्थात उसको बनाने से संबंधित होता है। एस्केलेट आपको याद हो गया, एस्केलेट करना वर्ब के रूप में, एटीई है आपका। एस्केलेट कोई स्थिति का बढ़ता जाना, मतलब उसका आगे बढ़ते जाना, अर्थात तेजी आते जाना, तो एस्केलेट का क्या हो जाएगा, सोर हो जाएगा, यानी ऊपर उठते जाना, बढ़ते जाना। जैसे प्राइसेस एस्केलेट कर रहे हो, या कोई लड़ाई है उसमें जो भावना है वो एस्केलेट करते जा रही है, मींस वो ऊपर उठती जा रही, बढ़ती जा रही है। होड आप जानते होंगे, जमाखोरी करना होता है। राइड सवारी करना होता है, और फॉरबेड मना करने के सेंस में यूज करते हैं। होस्टाइल या हॉस्टिल आपको याद होगा, होस्टाइल मीन्स विरोधी है ना, विरोध से भरा हुआ,
एडजेक्टिव के रूप में आप इसका यूज करते हैं, तो होस्टाइल का क्या हो जाएगा, जो आदमी बेलिकोश मीन्स क्या हो, झगड़ालू हो, विरोधी हो। मॉडेस्ट क्या होता है, जो विनम्र हो, साधारण किस्म का हो। बुअर क्या होता है, जो बिल्कुल अशिष्ट हो, गंवार हो। म्यूनिफिसेंट क्या होता है, जो दिल से बड़ा हो, उदार हो। जेनरस जो होता है वो मैनिफेसेंट होता है। तो होस्टाइल का क्या हो जाएगा, बेलिकोश, याद कर लीजिएगा, बेलिकोश आपके काम आएगा। अगर आपको वर्ड याद हो, बेलिगोरेंट याद है, क्वेरल सम, कैंटन केरश, ये सब बेलिकोश होते हैं। अग्रेसिव भी यूज कर सकते हैं आप। एंटेंगल आपको याद हो गया होगा, उलझा देना, फंसा देना, तो क्या हो जाएगा यहां पे आपका, स्नॉर्ल हो जाएगा, उलझा के रख देना। कन्फाइड क्या होता है, विश्वास करना। इसी कन्फाइड से आप जानते हैं क्या बना होगा बच्चों, कॉन्फिडेंस, इसी कन्फाइड से बना है। जैसे आप ये वर्ड जानते हैं ना कि रिसाइड से क्या बना, रेजिडेंस, है ना, रेजिडेंस, वैसे ही कन्फाइड से क्या बना, कॉन्फिडेंस। ऐसे तो इंटेंगल का हो जाएगा आपका स्नॉर्ल। पोज ओवर समझते होंगे, एक तरह से भाव प्रदर्शित करना, इकोनॉमिक आप जानते हैं, आर्थिक से संबंधित है। आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल मीन्स आपका वैचारिक, जो आपकी विचारधारा से संबंधित होता है वो आइडियोलॉजिकल होता है। तो क्या हो जाएगा, एक तरह से आपका डॉक्ट्रिन से संबंधित, यानी आपका सिद्धांत क्या है, उस डॉक्ट्रिन से संबंधित जो चीज है वो आपका आइडियोलॉजिकल है। कंटेस्टेंट जानते होंगे, प्रतियोगी को कहते हैं, प्रतिभागी को कहते हैं, जो किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, जो अभी आपने पढ़ा था, प्रतिबंध, निषेध। रिविजनिस्ट कौन है, जो रिविजन अर्थात परिवर्तन करता रहता हो, संशोधन करता रहता हो, वो रिविजनिस्ट होता है। तो आइडियोलॉजिकल का डॉक्ट्रिन हो जाएगा। वैसे ये नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव है, बट इससे मिलता जुलता वर्ड है जो आपको दिया गया है। प्रैग्मेटिज्म एक नाउन के रूप में है। प्रैग्मेटिज्म मीन्स कोई प्रैक्टिकल अप्रोच। क्या होता है प्रैग्मेटिज्म, कोई प्रैक्टिकल अप्रोच, मीन्स कैसा अप्रोच, कोई रियलिस्टिक अप्रोच, यही हो जाएगा ये। कोई रियलिस्टिक अप्रोच जो होता है वो प्रैग्मेटिज्म होता है। रिजोल्यूशन कई हो सकता है, रिजोल्यूशन एक समाधान को भी कहते हैं, रिजोल्यूशन एक दृढ़ संकल्प को भी कहते हैं, और रिजोल्यूशन जो संसद में पेश किया गया प्रस्ताव होता है उसे भी रिजोल्यूशन कहते हैं। कर्विंग याद है, कर्व से बना है, रोकथाम लगाने संबंधित है, और बेटर परेशान करना, किसी पर आपदा ले आना। स्काई रॉकेट याद हो गया आपको, कोई चीज तेजी से बढ़ना, सोर करना, ठीक है, तो स्काई रॉकेट का क्या हो जाएगा आपका, इनक्रीज हो जाएगा। रीबिल्ड पुनर्निर्माण करना, ट्रस्ट भरोसा विश्वास, डिक्रीज एंटोनिम हो जाएगा इसका। तो स्काई रॉकेट, जैसे स्काई रॉकेट टेंशंस, यानी बहुत तेजी से बढ़ते हुए तनाव। कन्फ्रंटेशन क्या होता है, टकराव, जब आमना सामना होता है तो वो कन्फ्रंटेशन होता है। तो कन्फ्रंटेशन का क्या हो जाएगा, क्लैश हो जाएगा, टकराव, विवाद, कलह। यूनैनिमस क्या होता है, जो एकमत होता है कोई व्यू, वो यूनैनिमस होता है। जैसे ज्यूरी जो थे वो यूनैनिमस थे, मीन्स एकमत थे। हार्मनी क्या होता है, सामंजस्य, एक रूपता। और रिजम्पशन क्या होता है, किसी चीज को रिज्यूम करना, अर्थात उसको फिर से जो शुरू करना, उसका नाउन के फॉर्म में रिजम्पशन है, और रिजम्पशन में फिर से शुरुआत। कन्फ्रंटेशन भी देखिए बच्चों क्या है आपका, नाउन है आपका। स्काई रॉकेट क्या है आपका, वर्ब है, इंक्रीज के रूप में तेजी से बढ़ना, ठीक है। और ये जो बढ़िया चीज आपको दी जा रही है हमेशा काम आएगी बच्चों, में शुरू से बेस से आपको बनाना चाह रहा हूं कि आप अच्छे बन जाए। तो आपने नाउन सफिक्सेस पढ़ लिए थे, आपने एडजेक्टिव सफिक्सेस पढ़ लिए थे, आपने वर्ब सफिक्सेस पढ़ लिए थे, ये सारे जो आपको दिए गए, ठीक है, ये आपने पढ़ लिए थे। वर्ब सफिक्सेस जरूर देख लीजिएगा फिर से, जिन बच्चों का छूटा होगा वो देख लेंगे इसे। ये एडजेक्टिव सफिक्सेस हैं, जिन बच्चों का छूटा होगा देख लेंगे। ये नाउन सफिक्सेस हैं, जिन बच्चों का छूटा होगा देख लेंगे। और ये आपके एडवर्ब सफिक्सेस, बिल्कुल छोटा सा सेगमेंट एक, जिसमें तीन शब्द याद करने हैं।
अगर कोई एडजेक्टिव प्लस एलवाई, जो मैंने कल भी डिस्कशन किया था आपके साथ, एडजेक्टिव प्लस एलवाई है और वो मैनर दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। किसी शब्द में वर्ड लगा हो और वो डायरेक्शन दिखाता हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। किसी शब्द में वाइज लगा हो, मैनर दिखाता हो तो क्या हो जाएगा, वो आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगे क्या सर यही सारे एडवर्ब्स होते हैं, ऐसा नहीं बच्चों। एडवर्ब क्या होता है, जब आप किसी एक्शन वर्ब से, ठीक है, एक्शन समझते हैं ना, जो कार्य आप करते हैं वो एक्शन वर्ब, जब आप किसी एक्शन वर्ब से व्हेन का प्रश्न करें, व्हाई का प्रश्न करें, हाउ का प्रश्न करें, हाउ ऑफन का प्रश्न करें, हाउ मेनी टाइम्स का प्रश्न करें, तो इनसे जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा आपके लिए, एक एडवर्ब होगा। ठीक है, जैसे कोई कहे ही केम हियर, यहां मैंने छोड़ दिया बच्चों एक और शब्द वेयर, ये सारे एडवर्ब्स होंगे। तो वह आया कहां, आया यहां, तो हियर क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, ही केम एट नाइट, ठीक है, वह रात में आया, वह आया कब आया, एट नाइट, ये किस चीज का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, अगर मान ली कहीं लिखा हो ही कॉल्ड मी टू टाइम्स, तो उसने मुझे बुलाया, कितनी बार बुलाया, दो बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। ठीक है, और देख लें, ही वेंट फास्ट, वह गया कैसे गया, फास्ट, तेजी से, तो फास्ट क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे पहचानना सीख लेंगे तो एडवर्ब पहचानना आसान हो जाएगा। और कल मैंने कहा था जब आप नाउन या प्रोनाउन से कैसा या कितना का प्रश्न करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजेक्टिव मिल जाएगा। और पूरे ग्रामर में बच्चों दो ही शब्द ऐसे हैं, एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव, जिन्हें मॉडिफायर के नाम से कहा जाता है, जाना जाता है, यानी जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताएगा और बाकी सब के बारे में जो बताएगा वो कौन होगा, एडवर्ब होगा आपका। ऐसे धीरे धीरे, घबराए ना बच्चों, धीरे धीरे चीजें आपकी मैं आसान कर दूंगा। ये देखिए एक नई चीज जोड़ी मैंने थोड़ी सी, आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे सेंटेंसेस है बच्चों। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस में एक एक शब्द को आइडेंटिफाई करना है। जैसे आई क्या हो जाएगा आपका, प्रोनाउन, डोंट में डू क्या हो जाएगी, यहां हेल्पिंग वर्ब अर्थात वर्ब का हिस्सा हो जाएगा, नॉट क्या हो जाएगा, एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं, जब लाइक पसंद करने के सेंस में हो जाएगा तो एक वर्ब हो जाएगी आपकी। हिज क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन है आगे आपके, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। चाइल्डिश भी क्या हो जाएगा, चाइल्ड प्लस आई एस एच एडजेक्टिव के रूप में है, क्योंकि बिहेवियर के बारे में बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। और बिहेवियर क्या, आपका व्यवहार, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब एक एडजेक्टिव के बारे में एक एडजेक्टिव बताता है, चाहे वो डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह हो, तो उसे हम डिटरमिनर के नाम से जानते, किस नाम से, डिटरमिनर। तो हिज को क्या कहेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में डिटरमिनर, ये आपका एडजेक्टिव, जैसे क्वालिफायर कह सकते हैं। और ये बिहेवियर क्या है आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका नाउन हो जाएगा। और ये तीनों मिलकर हिज चाइल्डिश बिहेवियर क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे। ऐसे सारे जितने सेंटेंसेस हैं अपनी कोशिश करें, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछें, सर यहां पे आपकी दिक्कत आ रही, वैसे ही ये सारे वर्ड्स। ठीक है, मेहनत करिएगा बच्चों, ये मैं आपके साथ समय दे रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं आपको बनाना चाहता हूं बस। जैसे कन्वर्सेशन आपने देखा, जैसे टी आई ओ एन देखा तुरंत कह दे नाउन है आपका, चाइल्डिशली आपने देखा, चाइल्डिश एडजेक्टिव था उसमें एल वाई, तो एडजेक्टिव प्लस एल वाई देखा आपने तो क्या हो जाएगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। मर्सीफुल एडजेक्टिव था, एल वाई आपने देखा, एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे सारे शब्दों को क्या करिएगा, पहचानिएगा, आपके काम आएंगे। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक
नया सेक्शन मैंने जोड़ा, ये भी बस आपको बनाने के लिए मैंने ऐसा किया बच्चों। क्या है कि जैसे एग्जाम में आपको जो आगे आपको एसएससी वगैरह देने हैं, जल्दी होने वाले हैं, उसमें आपको ऐसे वाक्य दे जाते हैं। देखें, आई एग्री टू यू, क्या सही है गलत है? टू यहां गलत है बच्चों, यू यहां पे आ गया ना, तो समवन के रूप में है, तो यहां क्या हो जाएगा आपके साथ, आई एग्री विद यू हो जाएगा, या ऐसे आपको दे दिया जाए, आई एग्री विद योर प्रपोजल, क्या सही है? नहीं, जब प्रपोजल है तो एग्री के साथ क्या लगेगा आपको, टू लगाना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों तरीके से यूज किया है, मीन्स आप ट्रांसलेशन भी करें इसे, और मैंने ऐसे ट्रांसलेशंस दिए हैं जिसमें आपको प्रीपोजिशन का प्रॉपर यूज करना होगा, और नहीं कर पाएंगे तो मैं हूं बच्चों। ठीक है, मैंने कहा आप पूछें टेलीग्राम में जाकर के, मैं वहां आंसर इसके सारे बता दूंगा आपको, कहां पर आपने क्या लगाया है। तो आप टेलीग्राम ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे जुड़ते जाएं, ताकि आपको बेहतर चीजें वहां पर अवेलेबल होती रहे। ठीक है, आप जुड़ेंगे बच्चों तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं और मेहनत करने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। तो सारे अपने पहले ट्रांसलेशन करिएगा, फिर मैं इनके आंसर्स आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, वहां से मिलाइएगा और देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, स्पेशली कहां पर कौन सा प्रीपोजिशन आपको लगाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, समय का भी ध्यान रखना होगा। ये नेक्स्ट सेशन जैसा आपने पढ़ा था, बट का प्रयोग कल आपने पढ़ा था, जरूर देखिएगा, कल के सेक्शन में मेरे दिया गया था, बच्चे जो जिनका छूटा होगा देख लेंगे, काम आएगा आपके वहां पे। वैसे आज येट मैंने दिया है, येट एक कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, जिसका अर्थ फिर भी के अर्थ में होता है आपका। ठीक है, तो कंजंक्शन कहने का मतलब क्या कि उसके आगे पूरी क्लास रहेगी और उसके पहले भी क्लास रहेगी। तो जैसे इट फील्स लाइक समर, यानी ऐसा लगता है जैसे गर्मी हो, येट फिर भी अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर, लेकिन कैलेंडर के अनुसार क्या है, वी आर स्टिल इन अर्ली स्प्रिंग, अभी हम स्प्रिंग में हैं। तो यहां येट का अर्थ क्या है, फिर भी, तो ये फिर भी के अर्थ में क्या हो जाएगा, एक कंजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां देखें एडवर्ब के रूप में भी आप येट का प्रयोग करते हैं और आपके एग्जाम में अक्सर आपको दिया जाता है, लेकिन पहले देखें कौन कौन से रूप में एडवर्ब के रूप में आप यूज करते हैं। एडवर्ब रूप में अब तक के अर्थ में होता है, अभी भी के अर्थ में होता है, और एक बार और के अर्थ में भी होता है। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने दिया, ही हैज नॉट डन मच येट। पहली चीज देखें आप बच्चों, ये परफेक्ट है आपका और ये नेगेटिव है, तो येट कहां आया वाक्य के लास्ट में आया, एग्जाम में कहां दे देता येट आपको, ही हैज नॉट येट डन मच या ही हैज येट नॉट डन मच, ऐसे दे देता। तो आप याद कर लें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पे येट कहां रखते हैं, वाक्य के अंत में रखते हैं, कहां पर, यानी वर्ब के बाद, और अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद भी यूज करिएगा। दूसरा, अभी भी के सेंस में देखिए येट कहां आया है, हैव और टू के बीच में, यानी हैव और टू या जो एक मॉडल की तरह यूज हुई है, इनके बीच में आया है, तो यहां येट का अर्थ क्या होगा, अभी भी, यानी आई हैव येट टू विन अ गेम, अभी मुझे एक खेल क्या करना है, जीतना है। तीसरा अर्थ क्या है, एक बार और, तो ही हैज अराइव्ड लेट येट अगेन, यानी एक बार फिर वो कैसे आया है, देर से आया है, तो यहां येट या येट अगेन का अर्थ क्या है, एक बार और। ठीक है बच्चों, फिर से देखिएगा पूरा रिकॉर्डिंग देख करके, या जैसे भी स्क्रीन शॉट लेकर के तैयार करें, कल बट का तैयार कर लीजिएगा और आज येट का। वो कैप सेक्शन आपका है, पहला वर्ड फैसिलिटेट है आपका, वर्ब के रूप में आपने यूज किया, फैसिलिटेट मीन्स होता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, किसी बात को संभव या क्या बना देना, आसान बना देना, इसी से फैसिलिटी आपका बना है ना, सुविधा, जब आप किसी चीज को आसान बना देते हैं, सुविधाजनक बना देते हैं, सुगम बना देते हैं, तो आप उसे फैसिलिटेट करते हैं, मीन्स वो पॉसिबल हो जाता आपके लिए और ईजियर हो जाता, आसान हो जाता है, तो आप उसे फैसिलिटेट करते हैं, अर्थात आपने उसे ईज कर दिया, आसान बना दिया, स्मूथ कर दिया, आसान बना दिया। ठीक है, तो फैसिलिटेट, आसान बना देना, जैसे पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मीन्स क्या किया जा रहा है, उसे आसान बनाया जा रहा है। एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके साथ टू लगा रहेगा बच्चों। ठीक है, एट्रीब्यूट टू क्या होता है, किसी चीज के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना, जैसे कोरोना को आप मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, तो डेथ्स आर एट्रीब्यूटेड टू कोरोना, कोविड 19, तो एट्रीब्यूट टू मतलब
कारण ठहराना, उत्तरदायी मानना या श्रेय देना में जिम्मेदार ठहराना। आप किसी को एस्क्राइब कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, अक्रेडिट कर रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, श्रेय दे रहे हैं, इंप्यूट कर रहे हैं, उस पर एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि इसी के कारण ऐसा हुआ है। दिस इज अट्रीब्यूट या अट्रीब्यूट टू। एक्सपर्टीज, ये वर्ब था एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज क्या है बच्चों? नाउन के रूप में है। किस रूप में? यहां पे नाउन के रूप में है। वो स्किल कि आपके अंदर कोई एक्सपर्टीज हो, मीन्स आपके अंदर एक विशेषज्ञता हो, ये एक्सपर्टीज होता है। आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आपके अंदर एक प्रोफेशनलिटी है, आपके अंदर एक सेवी है, आपके अंदर एक स्किल है, अर्थात आपके अंदर क्या है? एक एक्सपर्टीज है, मीन्स क्या है? आपके अंदर एक विशेषज्ञता है। नेक्स्ट वर्ड है एस्पर्शन, नाउन के रूप में, एस आई ओ एन, एक्सपर्टी। अरे एस्पर्शन मीन्स तीक्ष्ण आलोचना। जब आप किसी पर यह लगाते हैं ना आक्षेप, तो आप उस पर एस्पर्शन डालते हैं, ठीक है? उसकी आलोचना करते हैं, आक्षेप लगाते हैं। आप उसे विलिफिकेशन कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं। डिस्परेजमेंट कर रहे हैं, उसे नीचा दिखा रहे हैं। आप डिनिग्रेशन कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं। विटुपरेशन यूज कर रहे हैं, मीन्स गाली गलौज की भाषा यूज कर उसका अपमान कर रहे हैं। सेंसर कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। कैस्टिगेशन कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। डिनंसिएशन कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। फ्लॉक कर रहे हैं, उसकी तीव्र निंदा कर रहे हैं। डेप्रिकेशन कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। अप्रोब्रियम कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। आवलोकी कर रहे हैं, उस पर आक्षेप लगा रहे। इतनी बढ़िया बढ़िया वर्ड्स बच्चों कहाँ मिलेंगे? मेहनत करें और तैयार करें आप, ठीक है? तो एस्पर्शन, तीक्ष्ण आलोचना या आक्षेप। नेक्स्ट वर्ड है अपेक। अपेक क्या होता है? जो चीज अस्पष्ट, दुर्बोध हो, अर्थात जिसके बारे में आपको साफ साफ पता न चले, वो अपेक होता है। जैसे ये वर्ड है ना आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जो चीज अस्पष्ट होता है, ठीक है? तो अपेक, जो चीज अस्पष्ट हो, जो चीज ऑब्स्क्योर हो, अस्पष्ट हो, धुंधला हो, अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, डेंस हो, बहुत घना हो, साफ दिखाई न दे रहा हो, अनसर्टेन हो, अनिश्चय की अवस्था हो, इनडिटर्मिनेट हो, अनिश्चित हो, मिस्टीरियस हो, रहस्यपूर्ण हो, पजलिंग हो, कहीं कहीं परेशानी भरा हो, परप्लेक्सिंग हो, परेशान करने वाला हो, बैफलिंग हो, परेशान करने वाला हो, तो वो अपेक है। मीन्स क्या है? वो अस्पष्ट है। वो ये एडजेक्टिव के रूप में आप यूज करते हैं। बैकलैश इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैकलैश क्या होती है? कोई सामाजिक या राजनीतिक घटना के प्रति जो आप तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं अपनी, वो बैकलैश है आपका। ये एक नाउन के रूप में है। ये काउंटर ब्लास्ट करते हैं आप, प्रतिक्रिया देते हैं, फॉल आउट करते हैं, उसका परिणाम निकलता है। बैकवाश करते हैं, उसका परिणाम निकलता है, मीन्स प्रतिक्रिया देते हैं आप। तो बैकलैश प्रतिक्रिया, यानी जब आप कोई सामाजिक या राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हैं तो वो एक बैकलैश होता है। रिट्रैक्ट क्या होता है? आपने पहले कुछ कहा हो, उस बात से अब आप पीछे हट जाएं, ये कहते हो कि नहीं वो सही नहीं था, दिस इज आप रिट्रैक्ट कर रहे हैं। रिट्रैक्ट अपनी बात से मुकर जाना, पीछे हट जाना, यानी आप पुल इन कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। ड्रा इन कर रहे हैं, बात को वापस ले रहे हैं। पुल बैक कर रहे हैं, बात को वापस ले रहे हैं। शीत कर रहे हैं, मीन्स पीछे हट रहे हैं। तो रिट्रैक्ट अपनी बात से पीछे हट जाना या पूर्व कथन को वापस ले लेना। साइट पहले भी आप पढ़े, उद्धरण देना, किसी चीज का उदाहरण देना, अर्थात उसे मेंशन करना, रिकाउंट करना, स्पेल आउट करना या कोट करना, अर्थात उसका उदाहरण देना किसी एग्जाम्पल के रूप में, अथॉरिटी के रूप में या प्रूफ के रूप में, तो आप उसे साइट करते हैं आप, ठीक है? इमर्ज भी आप पहले से जानते हैं। इमर्ज कोई चीज कहीं से प्रकट हो जाना, सामने आ जाना, दिस इज इमर्ज, अर्थात जो चीज आपके सामने कम आउट कर रही है, सामने आ जा रही, अपीयर कर जा रही, प्रकट हो जा रही है, वो इमर्ज कर रही है। अक्सर आप सुनेंगे वो इस साल का इमर्जिंग प्लेयर के रूप में चुना गया, मीन्स उभरता हुआ, जो सामने आया हमारे, पहले जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। इम्ब्रोग्लियो इंपॉर्टेंट वर्ड है, नाउन के रूप में। ये वर्ब थी आपकी इमर्ज और शाइट भी आपकी वर्ब थी। इम्ब्रोग्लियो नाउन है आपका। एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत पेचीदा है, बहुत
कहीं कहीं कंफ्यूजिंग है, बहुत एम्बैरसिंग है, वो इम्ब्रोग्लियो होते हैं। मीन्स कोई ना कोई उलझन है, कोई पेंच है, अर्थात वो स्थिति बहुत पेंचीदा है, वो इम्ब्रोग्लियो है। ठीक है, ये एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है, एक जटिलता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी है, एक परेशानी है, एक प्रेडिकामेंट है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, कठिन परिस्थिति है, एक प्लाइट है, अर्थात खराब स्थिति है। तो इम्ब्रोग्लियो मीन्स खराब स्थिति, दुर्दशा, उलझन, पेंच। और ये आपके सामने आपका एडिटोरियल है बच्चों। ठीक है, शाइन अ लाइट, यानी शाइन जलाएं, अ लाइट क्या, एक प्रकाश, यानी एक प्रकाश का जलना, यानी ये आशा दिखा रहे हैं, ऑप्टिमिज्म के रूप में यहां पे दिखा रहे हैं कि शाइन अ लाइट, कहीं कहीं एक रोशनी है। ऑन रिट्रैक्शन ऑफ अ रिसर्च पेपर, अभी आपने पढ़ा रिट्रैक्ट, किसी कथन को वापस ले लेना, अपनी बात से पीछे हट जाना, तो ऑन रिट्रैक्शन ऑफ अ रिसर्च पेपर, यानी एक रिसर्च पेपर का रिट्रैक्शन, वापस लिया जाना, यानी एक जो शोध पत्र था उसके वापस लिए जाने पर यह पूरा एडिटोरियल आपका लिखा गया। ठीक है, द साइंटिफिक प्रोसेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम दोज सीकिंग पावर एंड रिचेस। पहले वर्ड्स देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, द आप जान गए, एकदम याद हो गया होगा, डिटरमिनर या आर्टिकल हो गया। साइंटिफिक प्रोसेस सब्जेक्ट के रूप में है, तो प्रोसेस तो नाउन हो जाए ना, कोई प्रक्रिया, तो साइंटिफिक आईसी ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। मस्ट आपको याद है, यहां पे मॉडल है, तो मस्ट के साथ बी और वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी पैसिव का स्ट्रक्चर है, यानी मस्ट बी प्रोटेक्टेड पैसिव स्ट्रक्चर में है, जिसमें बी आपके मूल रूप में वर्ब के रूप में है, प्रोटेक्टेड पास्ट पार्टिसिपल है आपका। ठीक है, वर्ब के रूप में ही, फ्रॉम आपको याद है, यहां पर प्रीपोजिशन है, दोज, दोज याद है, दोज जब अकेले होता है, इसके आगे कोई नाउन नहीं होता है, तो दोज क्या हो जाएगा, यहां पे प्रोनाउन हो जाएगा। अगर दोज के आगे कोई नाउन होता, दोज पर्संस, दोज लीडर्स, तो क्या हो जाता है, ये डिमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता। दोज हु आर सीकिंग, हु आर सीकिंग यानी यह वर्ब के रूप में है, अर्थात ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। पावर आप जानते हैं, पावर नाउन है, तो एंड के बाद भी जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, नाउन, तो पावर भी नाउन और रिचेज भी नाउन हो जाएगा। ठीक है, एंड आपको याद है, एंड क्या है आपका, कंजंक्शन। करें द साइंटिफिक प्रोसेस, यानी जो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ये पैसिव वॉइस है, यानी वैज्ञानिक प्रक्रिया को मस्ट बी प्रोटेक्टेड, सुरक्षित किया जाना चाहिए, किनसे, फ्रॉम दोज, किन लोगों से सुरक्षित किया जाना चाहिए, फ्रॉम दोज, उन लोगों से, हु आर सीकिंग, जो चाह रहे हैं पावर, सत्ता एंड रिचेज, धन दौलत, यानी वो लोग जिनको पावर और रिचेस की चाहत है, उन लोगों से साइंटिफिक प्रोसेस को, वैज्ञानिक प्रक्रिया को मस्ट बी प्रोटेक्टेड, क्या किया जाना चाहिए, बचाए रखा जाना चाहिए, उन्हें, उनसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ठीक है, ये बच्चों जो टोन होगी इस एडिटोरियल की, वो दोनों आपको दिखाएगी, एक तरफ ये आपको ले जाएगी पेसिमिज्म की तरफ, किसकी तरफ, पेसिमिज्म की तरफ, तो दूसरी तरफ कहीं कहीं ये आपको ऑप्टिमिज्म भी दिखाएगी, जहां पे आप जानेंगे कि ये जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल एक ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, प्रसंग, कॉन्टेक्स्ट के बारे में है, जिसमें क्या हुआ कि 22 मई को एक जर्नल ने, एक मेडिकल जर्नल ने, जिसका नाम द लॉन्सेट है, उसने ये दावा किया कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है और जो क्लोरोक्विन, जो एंटी मैलेरियल्स हैं, इनका कोई प्रभाव कोविड-19 के पेशेंट्स पर नहीं पड़ रहा। ये एडिटोरियल बहुत बढ़िया बच्चों, चैलेंजिंग है, मेहनत करिएगा, अच्छा लगेगा आपको, और जहां चैलेंज है वहीं अच्छा भी लगेगा, ये भी ध्यान रखें आप। तो उन्होंने कहा कि ये जो एंटी मलेरियल्स हैं, अर्थात हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन, इनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये दिल की धड़कनों में और परिवर्तन ले आ रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, द लैंसेट ने क्या कहा कि इसकी वजह से मौतों की संख्या और क्या हो गई है, बढ़ गई। ये किसने कहा,
लॉन्सेट ने जो एक मेडिकल विश्व के सबसे प्रभावशाली मेडिकल जर्नल यानी मेडिकल पत्रिका मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद एक और पत्रिका आई, उसने भी उन्हीं आंकड़ों के आधार पे इसी तरीके का निष्कर्ष दिया कि हां जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन जो दवाएं हैं ये कहीं कहीं नुकसान कर रही हैं। तो फिर इनकी जो मेथोडोलॉजी थी अर्थात इनके कार्य करने जो तरीका था उस पर कुछ पीयर रिव्यूज हुए, अर्थात कुछ अन्य लोगों ने उन पर रिव्यूज किए, अवलोकन किया उनके कार्यों का और पाया कि जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए इन मैगजीन्स ने वो आंकड़े सही नहीं। 100 के करीब वैज्ञानिकों ने इन पत्रिकाओं के संपादक को अर्थात द लैंसेट के संपादक रिचर्ड हॉर्टन को क्या लिखा, पत्र लिख, खुला पत्र लिख करके विरोध जताया कि आपके द्वारा दिए गए आंकड़े जो हैं वो टैली नहीं कर रहे हैं, उनकी मेथोडोलॉजी कहीं कहीं गलत है। तो फिर इन पत्रिकाओं ने अपनी बात को वापस ले लिया कि हां हमने जो कहा था वो रिसर्च क्या था गलत था, क्योंकि जिस कंपनी ने आंकड़े हमको दिए थे वो आंकड़े ही क्या थे, गलत थे। बच्चों इसके बीच में बहुत कुछ हुआ जो इस एडिटोरियल में आप पढ़ेंगे, एक ऐसा जिसमें अच्छे वर्ड्स मिलेंगे और चैलेंजिंग होगा यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीजें हमको मिल रही हैं। देखें, 2 weeks ago जैसे आपने 2 weeks ago देखा तुरंत समझ जाए बच्चों कि नॉर्मली यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का टेंस यूज किया गया होगा। आगे देखेगा 2 weeks ago 2 सप्ताहों पहले अ स्टडी इन द लॉन्सेट पत्रिका है ना, इस पत्रिका में ऐसा हुआ था इसलिए इन लगाया गया, यानी एक अध्ययन हुआ इन द लॉन्सेट, लॉन्सेट में परहैप्स द मोस्ट इंफ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल इन द वर्ल्ड, यानी ये किसके लिए है, द लैंसेट के बारे में है, शायद द मोस्ट इंफ्लुएंशियल मेडिकल जर्नल जो सबसे प्रभावशाली मेडिकल जर्नल है इन द वर्ल्ड, संसार में संसारिक स्थान है, इसके पहले देखिए इन लगाया गया, यानी विश्व में सबसे प्रभावशाली जो मेडिकल जर्नल है द लैंसेट, उसमें एक अध्ययन जो कि 2 सप्ताहों पहले फाउंड अर्थात उस अध्ययन ने फाउंड पाया, क्या पाया कि नो बेनिफिट, कोई लाभ नहीं हो रहा है फ्रॉम द यूज ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन SCQ, यानी उसने ये पाया इस अध्ययन ने जो द लैंसेट में प्रकाशित हुआ था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई फायदा कोई लाभ नहीं हो रहा है। कौन से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वेल नोन एंटी मलेरियल, यानी एक जानी पहचानी अर्थात एक प्रसिद्ध जो एंटी मलेरियल है उस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के द्वारा कोई लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा उस द लैंसेट के एक स्टडी में फाउंड पाया गया, कब, 2 weeks ago 2 सप्ताह पहले, ठीक है। किस चीज में फायदा नहीं मिल रहा था, टू ट्रीट सिक कोविड 19 पेशेंट्स, ट्रीटमेंट इलाज करना सिक बीमार, कौन से बीमार, कोविड 19 पेशेंट्स, यानी उस पत्रिका ने क्या पाया जो कोविड 19 के बीमार पेशेंट्स हैं मरीज हैं उनका इलाज करने में जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा है, ठीक है। टुडे आज, ये कब की बात है, 2 सप्ताह पहले, और डेट नहीं दी गई लेकिन मैंने आपको बताया कब की बात है बच्चों, आप देखिएगा 22 मई को उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। लेकिन आज टुडे दैट स्टडी, वो जो स्टडी थी स्टैंड रिट्रैक्टेड, वो स्टडी क्या हो गई, स्टैंड रिट्रैक्टेड अर्थात वो स्टडी अपनी बात से क्या हो गई, पीछे हट गई, यानी वो अध्ययन जो किया गया था उस अध्ययन में अब क्या दिखाया जा रहा है, रिट्रैक्टेड, कि अब वो अपनी बात से क्या हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, अर्थात वो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था वो गलत था, अब वो रिट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थात उन्होंने जो कहा था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोविड 19 के पेशेंट्स पर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ट्रीटमेंट में, अब स्टैंड रिट्रैक्टेड, वो उस कथन से क्या हो गए, वापस हो गए। एज मीन्स चूंकि, क्योंकि इट हैड रिलाइड, इट किसके लिए है, वो स्टडी,
इट हैड रिलाइड ऑन, देखिए बढ़िया बच्चों, रिलाई के साथ क्या लगा है, ऑन, रिलाई ऑन, काउंट ऑन, बेस्ड ऑन, है ना, डिपेंड ऑन, एज, चूंकि इट हैड रिलाइड ऑन, चूंकि यह निर्भर थी अ ह्यूज डेटा सेट, एक विशाल आंकड़े पर, ऑफ अबाउट 96,000 पेशेंट्स, और कौन से आंकड़े बच्चों, 96,000 मरीजों के आंकड़े पर, डेटा सेट पर, सोर्स्ड फ्रॉम, जो आंकड़े निकाले गए थे, लिए गए थे 671 हॉस्पिटल्स, कहां से, 671 हॉस्पिटल से, इन सिक्स कॉन्टिनेंट्स, और वो 671 हॉस्पिटल्स कहां से थे, 6 महाद्वीपों के, द वर्ल्ड, पहले यहीं तक देखें बच्चों, यानी 6 महाद्वीपों के 671 हॉस्पिटल से वो आंकड़े निकाले गए थे 96,000 पेशेंट्स के, उस विशाल आंकड़े पर निर्भर था वो स्टडी, इसलिए चूंकि उसी पर निर्भर था वो स्टडी, इसलिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसलिए WHO ने क्या किया, साइटिंग, उद्धरण देते हुए, उदाहरण देते हुए, अ डू नो हार्म प्रिंसिपल, किस चीज का उदाहरण देते हुए, कि हम किसी को नुकसान न पहुंचाएं, इस सिद्धांत पर चलेंगे, और इस तरह से WHO ने क्या किया, सस्पेंडेड ड्रग ट्रायल्स, यानी उस दवा पर जो परीक्षण चल रहे थे, उस परीक्षणों को सस्पेंड कर दिया, रोक दिया, पेंडिंग अ सेफ्टी रिव्यू, अर्थात और विचाराधीन कर दिया कि इस पर एक सुरक्षा अवलोकन किया जाएगा कि क्या वास्तव में दवा कोई लाभ नहीं कर रही है, ठीक है, दिस, इस बात ने, किस बात ने, कि जब WHO ने कहा कि इस दवा को क्या किया जाए, सस्पेंड किया जा रहा है, ट्रायल्स नहीं किए जाए, परीक्षण न किए जाए रोगियों पर, तो दिस लेड टू सम कंट्रीज इन यूरोप withdrawing the drug from their own trials. हुआ क्या इससे? This led to some, lead के साथ देखे, to का प्रयोग, this led to some countries in Europe. तो यूरोप में कुछ देश जो थे, this led to withdrawing. ये स्थिति किस तरफ लेके गई, कि उन देशों ने withdraw कर लिया, वापस ले लिया दवा को, the drug, है ना, उस दवा को उन्होंने वापस ले लिया, from their own trials. कहां से? अपने अपने परीक्षणों से, यानी वो देश जो यूरोप में कुछ देश थे जो परीक्षण कर रहे थे उस दवा पर, उस दवा को उन्होंने विदड्रा कर लिया, मींस क्या कर लिया, वापस ले लिया, अर्थात उस पर परीक्षण करना क्या कर दिया, बंद कर दिया. एनदर स्टडी, एनदर क्यों लगाया गया, क्योंकि आपने एक स्टडी की बात की, कौन सी स्टडी, जो द लॉन्सेट में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी. एनदर स्टडी, एक दूसरा अध्ययन, इन्वॉल्विंग, विच वॉज इन्वॉल्विंग सम ऑफ द सेम ऑथर्स, अर्थात जिस अध्ययन में इन्वॉल्वड थे कौन, सम ऑफ द सेम ऑथर्स, वही लेखक, एंड और वो स्टडी दूसरी जो थी रिलाइंग ऑन, वो भी निर्भर थी ऑन द सेम डेटा, उसी आंकड़े पर पब्लिश्ड, जो पब्लिश हुआ था इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, अर्थात ये दूसरी पत्रिका थी, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुए जो आंकड़े थे उसी पर निर्भर होकर के, और उन्हीं कुछ ऑथर्स के द्वारा जिसमें इन्वॉल्व थे, एक दूसरी स्टडी ने क्या किया, विच सार, बच्चों ये थोड़ा सा आप उलझ रहे हैं, चलिए फिर देखते हैं. एनदर स्टडी, एक दूसरा अध्ययन हुआ, इन्वॉल्विंग सम ऑफ द सेम ऑथर्स, जिसमें वही ऑथर्स इन्वॉल्व थे, कौन से ऑथर्स, जो द लॉन्सेट वाले स्टडी में थे, एंड रिलाइंग ऑन द सेम डेटा, और यह उसी डेटा पर निर्भर थी, पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो डेटा पब्लिश हुआ था द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन पत्रिका में, विच, जो स्टडी था, विच सॉट टू आंसर, सॉट क्या है बच्चों, सीक की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, यहां सेकंड फॉर्म के रूप में है, अगर पास्ट पार्टिसिपल लेंगे तो फिर थर्ड फॉर्म हो जाएगी. विच सॉट टू आंसर, यानी जो आंसर चाहती थी उन क्वेश्चंस का, अर्थात उन प्रश्नों का, ऑन द एसोसिएशंस,
यानी उन एसोसिएशंस पर जो प्रश्न थे उनका वो आंसर चाहते थे बिटवीन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कोविड 19 एंड ड्रग्स, अर्थात वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हृदय की धमनियों रक्तवाहिकाओं से संबंधित रोग होता है उससे संबंधित, कोविड 19 से संबंधित एंड ड्रग्स और उन दवाओं से संबंधित जवाब चाहती थी जो दवाएं टारगेट क्या करती हैं, लक्ष्य बनाती हैं द एंजाइम्स, उन एंजाइम्स को, उन पाचकों को दैट प्ले अ रोल, जो एक भूमिका अदा करते हैं इन फैसिलिटेटिंग द वायरस, उस वायरस के लिए आसान बना देने में इन अटैकिंग अ होस्ट, जिसकी वजह से वायरस इन अटैकिंग अ होस्ट अपने उस शिकार पर अर्थात जिसके अंदर वो है उस होस्ट पर वो आक्रमण करने में सफल हो जाता है, वो पत्रिका हैज आल्सो बीन रिट्रैक्टेड, वो पत्रिका ने भी हैज आल्सो बीन रिट्रैक्टेड, अर्थात उस पत्रिका में भी जो लिखे गए लेख थे शोध थे उन्हें क्या कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। ठीक है, फिर से देख लें बच्चों, यहां से करें, एक दूसरा अध्ययन हुआ जिसमें वही सारे ऑथर्स थे, लेखक थे, और इस पत्रिका ने भी रिलाई ऑन किया, भरोसा किया द सेम डेटा, उसी डेटा पर पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो डेटा इस पत्रिका में पब्लिश हुए थे, विच जो पत्रिका विच सॉट टू आंसर क्वेश्चन, जो ऐसे प्रश्नों के जवाब चाहती थी ऑन द एसोसिएशन कि क्या जुड़ाव है बिटवीन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय रक्त वाहिकाओं की रोगों में, कोविड 19 एंड ड्रग्स, बिटवीन का देखिए कॉम्बिनेशन एंड से ना, यानी कोविड 19 एंड ड्रग्स और उन दवाओं में क्या जुड़ाव है, दैट जो दवाएं टारगेट द एंजाइम्स, उन एंजाइम्स पे टारगेट करती हमला करती हैं, जो एंजाइम्स प्ले अ रोल अर्थात एक भाग अपनी भूमिका अदा करते हैं इन फैसिलिटेटिंग द वायरस इन अटैकिंग अ होस्ट, जिसकी वजह से वायरस के लिए अपने होस्ट पर अटैक करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, उस पत्रिका ने भी हैज आल्सो, यानी वो जो स्टडी है हैज आल्सो बीन रिट्रैक्टेड, उस अध्ययन को भी क्या कर लिया गया है, वापस ले लिया गया। ठीक है, द लॉन्सेट स्टडी ट्रिगर्ड अ बैकलैश, ट्रिगर्ड अ बैकलैश यानी कहीं कहीं उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जो लॉन्सेट का स्टडी था उसका जो अध्ययन था ट्रिगर्ड अ बैकलैश, उस पर क्या होने लगा, एक उसकी प्रतिक्रिया होने लगी फ्रॉम साइंटिस्ट, किन से, उन वैज्ञानिकों से हु फाउंड, जिन वैज्ञानिकों ने पाया प्रॉब्लम्स की कुछ समस्याएं हैं विद द मेथोडोलॉजी, किसमें, उस स्टडी के तौर तरीकों में, यानी कार्य करने के तरीकों में कोई समस्या है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली और उससे भी महत्वपूर्ण क्या पाया साइंटिस्ट ने कि द डेटा सेट के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनमें भी कहीं कहीं क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। ये किसने पाया, उन वैज्ञानिकों ने, कहां से पाया, जो उस लैंसेट में स्टडी, वो अध्ययन प्रकाशित हुआ था उसको पढ़ने के बाद उन्होंने एक बैकलैश दिया, अर्थात अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, किन्होंने दी, उन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने पाया कि कुछ समस्याएं हैं उस कार्य करने के तरीके में, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण किस चीज में प्रॉब्लम्स हैं, उन आंकड़ों में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इट इमर्ज्ड दैट, यानी ये सामने, ये बात सामने आई, कौन सी बात, दैट की मॉर्टेलिटी, यानी वो जो मॉर्टेलिटी है, मौतों की दर है, यानी जो मौतें हैं एट्रीब्यूटेड टू द डिजीज, जिन मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया द डिजीज, उस रोग को इन ऑस्ट्रेलिया, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में जो मौतें हुई थी उन मौतों के लिए जिम्मेदार एट्रीब्यूट कर दिया, जिम्मेदार ठहरा दिया गया उस बीमारी को, वो मॉर्टेलिटी जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी डिड नॉट मैच, वो मैच ही नहीं हुई विद द कंट्रीज ओन एस्टिमेट्स, यानी देश, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो अपने एस्टिमेट्स थे, अपने अनुमान थे, उनसे कहीं मैच ही नहीं हुआ, क्या, वो मॉर्टेलिटी, यानी जो मौतें थी
वो ऑस्ट्रेलिया के अनुमान से मैच नहीं की, ऐसा ऐसी बात उभर कर आई, सामने आई। देर वॉज नो वे टू टैली पेशेंट रिकॉर्ड्स एंड द हॉस्पिटल्स, यानी कोई ऐसा तरीका ही नहीं था कि आप टैली कर सकें, मिला सकें, मिलान कर सकें पेशेंट्स पेशेंट रिकॉर्ड्स यानी पेशेंट का जो रिकॉर्ड है एंड द हॉस्पिटल्स, और जो हॉस्पिटल्स हैं दे वर सोर्स्ड फ्रॉम, जिन हॉस्पिटल्स से वो रिकॉर्ड्स क्या किए गए थे, सोर्स्ड फ्रॉम निकाले गए थे, लिए गए थे। यानी जो पेशेंट रिकॉर्ड्स उस अध्ययन में दिया गया था और जिन हॉस्पिटल्स से वो रिकॉर्ड्स दिए गए थे, दे वर सोर्स्ड फ्रॉम, यानी जिन हॉस्पिटल्स से वो रिकॉर्ड्स दिए गए थे, देयर वाज नो वे टू टैली, वो दोनों क्या नहीं कर रहे थे, मैच ही नहीं कर रहे थे। एंड और देयर वर प्रॉब्लम्स, और भी समस्याएं थी क्या, विद द स्टैटिस्टिक्स, यानी उन आंकड़ों में भी समस्या थी, उन आंकड़ों के साथ भी समस्या थी, डिप्लाइड जो आंकड़े लगाए गए थे, प्रसारित किए गए थे, एंड द कंक्लूजन्स, और उन निष्कर्षों से भी समस्या थी, जो निष्कर्ष अबाउट द पोटेंशियल रिस्क, किसके बारे में लिए गए थे, कि बहुत बड़ा खतरा है फ्रॉम द ड्रग, यानी उस दवा से, यानी यही निष्कर्ष था ना कि उस दवा से पेशेंट्स को खतरा हो रहा है, तो दवाओं से यानी उस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से जो रिस्क था, पोटेंशियल रिस्क था, ऐसा जो कंक्लूजन निकाला गया था उससे भी समस्या थी, और जो आंकड़े स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत किए गए थे, जो प्रसारित किए गए दिए गए थे, उससे भी उनके साथ भी क्या थी, समस्या थी। द बिगर कंसर्न वाज, जो बड़ी समस्या थी वाज, यानी जो बड़ी चिंता थी वाज दैट, वो क्या थी कि द डेटा वाज सप्लाइड बाई सर्जिश फेयर कॉरपोरेशन, यानी वो जो डेटा सप्लाई किया गया था, प्रदान किया गया था, वो किसके द्वारा, सर्जिश फेयर कॉरपोरेशन के द्वारा प्रदान किया गया था, और ये एक बड़ी चिंता थी, कौन सा कॉरपोरेशन, विच हैड अ हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें कुछ एक एम्प्लॉयज थे, कर्मचारी थे, विद लिमिटेड साइंटिफिक एक्सपर्टीज, जिनके पास बहुत सीमित वैज्ञानिक विशेषज्ञता थी, में जानकारी थी, अनुभव था, एंड क्लेम्ड टू हैव एग्रीगेटेड, और ये दावा किया गया था टू हैव एग्रीगेटेड, कि उसने इकट्ठा किए हैं इट्स नंबर्स, इनके आंकड़ों को बाय कंपाइलिंग, इकट्ठा करके इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, किनको इकट्ठा करके, किनका संकलन करके, कंपाइल करके, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स को कंपाइल करके उन नंबर्स को उसने एग्रीगेट किया है, जोड़ा है, और वो भी कब, इन लेस देन टू मंथ्स, दो महीनों से भी कम के समय में। ये मॉडर्न ग्रामर बच्चों, यहां पे टू मंथ्स हैं, लेकिन यहां फ्यूअर के बजाय क्या लगा है, यहां पे लेस लगा है, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलिस्ट सेड, यानी जो अनुभवी क्लिनिकल ट्रायल स्पेशलिस्ट, यानी जो अनुभवी क्लिनिकल परीक्षण के विशेषज्ञ हैं, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, कि दिस वाज अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, कि यह जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये लेबर इंटेंसिव, अर्थात इसमें बहुत अधिक श्रम की क्या पड़ी होगी, आवश्यकता पड़ी होगी। मोर ओवर, इसके अलावा, वेन एस्पर्सन्स अबाउट द डेटा स्टार्टेड टू स्वर्ल, एस्पर्सन्स आक्षेप, निंदा, यानी जब निंदाएं जो थी, आक्षेप जो थे अबाउट द डेटा, उस आंकड़ों के बारे में, स्टार्टेड टू स्वर्ल, क्या होने लगे, फैलने लगे, यानी जब उन आंकड़ों को लेकर के आक्षेप यानी आरोप जो थे, स्टार्टेड टू स्वर्ल, फैलने लगे, लोग आक्षेप लगाने लगे, तब क्या हुआ, द कंपनी, तो जो कंपनी थी, कौन सी कंपनी बच्चों, जिसने उस स्टडी को प्रसारित किया था, अर्थात द लॉन्सेट कंपनी ने क्या किया, साइटिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी उदाहरण देते हुए, किस चीज का, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी अपने क्लाइंट की विश्वसनीयता का
उदाहरण देते हुए, उसकी गोपनीयता का उदाहरण देते हुए कंपनी ने क्या किया, सेड, उसने कहा कि इट वॉज अनेबल, कि वो कंपनी असमर्थ है टू शेयर इट्स डेटा, अपने डेटा को शेयर करने में, डेटा सोर्सेज, अपने डेटा सोर्सेज को शेयर करने में फॉर इंडिपेंडेंट असेसमेंट, कैसे, व्यक्तिगत स्वतंत्र आकलन के लिए। यानी कंपनी ने क्या कहा कि हम स्वतंत्र आकलन के लिए अपने डेटा सोर्सेज को शेयर करने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम अपने क्लाइंट क्लाइंट की गोपनीयता को क्या नहीं करना चाहते हैं, भंग नहीं करना चाहते, खत्म नहीं करना चाहते हैं। ऐसा उसने कब कहा, जब उस कंपनी पर एस्पर्शंस यानी आरोप वगैरह क्या होने लगे, स्टार्टेड टू स्वर्ल, फैलने लगे, लोग आरोप लगाने लगे किस चीज को लेकर के, उस कंपनी के डेटा को लेकर। यहां हम उस कंपनी द लांसर की बात नहीं कर रहे होंगे बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्फिस गेयर जो कंपनी थी कारपोरेशन की, उसके सर्जिस फेयर कंपनी जो थी उसकी बात कर रहे हैं। इन देयर रिट्रैक्शंस, ये जो कंपनियां यानी द लॉन्सेट और जो द न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल थी, ये जो दो वो थी पत्रिकाएं थी, इन देयर रिट्रैक्शंस, इन्होंने अपनी बातों से क्या कर लिया, अपने शोध पत्रों को वापस ले लिया। तो अपने शोध पत्रों को वापस लेने में द जर्नल्स हैव ब्लेम्ड सर्जिस फेयर, यानी इन दोनों पत्रिकाओं ने सर्जिस फेयर पर क्या किया, आरोप लगा दिया फॉर बीइंग अपेक, कि यह कंपनी क्या है, अस्पष्ट है, इसके आंकड़े स्पष्ट नहीं है विद इट्स प्राइमरी डेटा, यानी किस चीज के लिए कहा उन्होंने, इसका जो प्राइमरी डेटा है वो स्पष्ट नहीं है, इसका उन्होंने सर्जिस फेयर पर क्या लगा दिया, आरोप लगा दिया। किन्होंने, उन दो पत्रिकाओं ने जिन्होंने उस स्टडी को क्या किया था, प्रकाशित किया था। सो फार, अब तक नीदर जर्नल, जब दो लोगों की बात होती है तो नीदर का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक की बात होती है तो नन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सो फार अब तक नीदर जर्नल यानी दोनों में से एक ने भी नहीं हैज इंट्रोस्पेक्टेड, आत्म मंथन किया है, आत्म परीक्षण किया है ऑन द पीयर रिव्यू प्रोसेस, यानी जो उनके समकक्ष रिव्यू हुआ, आकलन हुआ, अवलोकन हुआ, यानी पुनर्समीक्षा हुई, उस प्रोसेस पर उन दोनों कंपनियों में से एक ने भी आत्म मंथन नहीं किया है। दैट लेड, जिस प्रोसेस ने लेड टू दीज स्टडीज, जिन प्रोसेस के द्वारा ये जो स्टडीज थे, इन दोनों के अध्ययन थे, बीइंग पब्लिश्ड, क्या किए गए, प्रकाशित किए गए इन द फर्स्ट प्लेस, यानी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दे करके, ठीक है। लास्ट पैसेज बच्चों है, द एवरेज पीयर रिव्यू टेक्स वीक्स एंड द क्लिनिकल ट्रायल प्रोसेस मंथ्स। ये पीयर रिव्यू क्या होता है बच्चों, पता है, जैसे मान लीजिए किसी पत्रिका में आपने कोई लेख छापा, ठीक है, आपने कोई आर्टिकल छापा, उस लेख के छपने के बाद उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, इन सब चीजों को लेकर, उसकी वैलिडिटी क्या है, इन सब चीजों को लेकर के अगर कोई दूसरा जानकार व्यक्ति उसके बारे में एक रिव्यू निकालता है, पुनर्समीक्षा करता है, तो वह पीयर रिव्यू कहलाता है, ठीक है। तो पहले द लैंसेट में, फिर न्यू इंग्लैंड जर्नल पत्रिका में वो दोनों शोध प्रकाशित हुए थे, तो उन पर जो रिव्यू दूसरे लोगों ने किया उसे क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू। करें द एवरेज पीयर रिव्यू टेक्स वीक्स, यानी एक औसत जो पीयर रिव्यू होता है यानी समीक्षा होती है, उसके निकलने में करीब सप्ताहों लग जाते हैं। एंड और द क्लिनिकल ट्रायल, और जो एक क्लिनिकल ट्रायल होता है उसके होने में, उस प्रोसेस में कितना लग जाता है, महीनों लग जाते हैं। बट लेकिन नाउ, अब द एक्सपेक्टेशन इज दैट, यानी अपेक्षा यह है कि साइंस डिलीवर्स इट्स रिजल्ट्स लाइक मैजिक, कि जो विज्ञान है वो अपने परिणाम कैसे देता है, लाइक मैजिक, बिल्कुल एक जादू की तरह, चमत्कार की तरह देता है। फॉर ईयर्स नाउ, यानी बरसों से हो रहा है ऐसा, क्या क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड, यानी बरसों से, कई वर्षों से ये प्रश्न उठे हैं ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेडिशनल टाइम कंज्यूमिंग पीयर रिव्यू प्रोसेस, यानी जो
एक व्हाट टाइम कंज्यूमिंग पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है, यानी वो प्रोसेस पीयर रिव्यू का जिसे बहुत अधिक टाइम लगता है, और जो ट्रेडिशनल होता है मीन्स परंपरागत होता है उसके इफेक्टिवनेस पर, उसके प्रभाव पर क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड, क्या उठे हैं, बहुत प्रश्न उठे हैं, एंड और दिस हैज लॉन्च्ड अ वेलकम कल्चर, इसने यानी इस रिव्यू ने, पीयर रिव्यू ने हैज लॉन्च्ड अ वेलकम कल्चर, एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छे माहौल को शुरू किया है ऑफ पेपर्स, ऐसे पेपर्स के लिए बीइंग अपलोडेड, जो पेपर्स क्या किए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं एज प्री प्रिंट्स फॉर रिव्यू, ताकि रिव्यू के लिए पहले से ही क्या हो जाएं, उपलब्ध हो जाएं। इन द प्रेजेंट इंस्टांस, इंस्टांस याद है उदाहरण, इस वर्तमान उदाहरण में ऑफ द HCQ यानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, यानी इस उदाहरण में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इम्ब्रोग्लियो जो उलझन है, यानी इस उदाहरण में जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के जो उलझन है उसके उदाहरण में, इट इज द इंडिपेंडेंट एफर्ट, यह स्वतंत्र प्रयास है बाय एक्सटर्नल साइंटिस्ट, किसके द्वारा, उन एक्सटर्नल साइंटिस्ट के द्वारा, दैट ब्रॉट द ब्लाइट टू लाइट, जिनकी वजह से यह जो ब्लाइट थी, जो दाग था, ये जो परेशानी थी टू लाइट, ये कहां आई, सबके सामने आए, किनकी वजह से, उन एक्सटर्नल साइंटिस्ट की वजह, जिनको मैंने कहा था कि 100 साइंटिस्ट ने खुला पत्र लिखा था इन दोनों कंपनियों को, मतलब इन पत्रिकाओं के ऑफिसेस को, कि आपने जो डेटा दिए हैं वो आंकड़े क्या हैं, गलत हैं। ये छोटा सा पैसा जल्दी से देख लें, द की, ये सॉल्यूशन दे रहे हैं बच्चों आपको, द की लेशन, जो महत्वपूर्ण सबक है इज दैट, वो ये है कि इट इज अ मिस्टेक, कि ये गलत होगा टू अज्यूम, कि हम मान लें द साइंटिफिक प्रोसेस एज वन, कि एक साइंटिफिक प्रोसेस को, वैज्ञानिक प्रक्रिया को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में मान लें, अज्यूम कर लें, डिवोर्स्ड फ्रॉम, जो साइंटिफिक प्रोसेस अलग हो द इन्फ्लुएंस ऑफ पावर प्रिविलेज फिनांस मीन्स फाइनेंस एंड पॉलिटिक्स, यानी जो साइंटिफिक प्रोसेस पावर से यानी सत्ता से, प्रिविलेज सुविधा से, फाइनेंस मतलब अर्थ से पैसे से, एंड पॉलिटिक्स राजनीति से क्या हो, डिवोर्स्ड फ्रॉम, उससे क्या हो, अलग हो, ऐसा अगर हम अज्यूम करें तो हम, इट इज अ मिस्टेक, क्या होगी हमारी, ये गलती होगी, यानी हमारी गलती होगी अगर हम माने कि कोई साइंटिफिक प्रोसेस जो है वह पावर से, प्रिविलेज से, फाइनेंस से, पॉलिटिक्स के प्रभाव से क्या रहेगा, डिवोर्स फ्रॉम, अछूत रहेगा, अलग रहेगा, यानी ऐसा होगा नहीं, यानी साइंटिफिक प्रोसेस भी कहीं कहीं पावर प्रिविलेज फाइनेंस और पॉलिटिक्स के प्रभाव से क्या है, जुड़े रहते हैं। द मीन्स एंड मेथड्स, यानी जो माध्यम है एंड मेथड्स और जो तरीके होते हैं टू अ साइंटिफिक रिजल्ट, किस चीज के लिए, एक वैज्ञानिक परिणाम के लिए, मैटर मोर, वो ज्यादा मायने रखते हैं देन रिजल्ट्स, किनके अपेक्षा, परिणाम के अपेक्षा, यानी जो साइंटिफिक रिजल्ट्स होते हैं, परिणाम होते हैं उनके, उनमें जो माध्यम है और जो उनके तरीके होते हैं वो मैटर मोर, वो ज्यादा मायने रखते हैं उनके परिणामों से, वनली अचीव्ड थ्रू ग्लोबल स्क्रूटनी, वो परिणाम जो हासिल किए गए हों थ्रू ग्लोबल स्क्रूटनी, किसके द्वारा, वैश्विक परीक्षण के द्वारा, जांच के द्वारा, स्क्रूटनी याद है ना, जांच परीक्षा। ओपननेस यानी खुलापन, मोर देन ब्लेम गेम, यानी किसी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के खेल से ज्यादा ओपननेस, जो खुलापन है, इज व्हाट, यही वो खुलापन है द पोस्ट कोविड वर्ल्ड नीड्स नाउ, जिसे कोविड 19 का के बाद का जो दुनिया होगा, संसार होगा पोस्ट, उसके बाद की जो दुनिया होगी नीड्स मोर, उसे उस ओपननेस की क्या होगी, ज्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है, ये वर्ड्स देख लें बच्चों जल्दी से, रिट्रैक्शन याद हो गया, यानी अपने कथन को वापस लेने का कार्य, जो आपने कहा हो उसको वापस लेने का कार्य।
इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, एडजेक्टिव के रूप में ये नाउन था आपका। कॉन्टिनेंस, महाद्वीप, ये नाउन है आपका। कार्डियोवैस्कुलर, ये भी नाउन है, अर्थात ये सॉरी एडजेक्टिव के रूप में है, अर्थात जो हृदय रक्त वाहिकाएं होती हैं उनसे संबंधित। इमर्ज वर्ब है, उभर कर आना, सामने आना। डिप्लाइड पास्ट पार्टिसिपल भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकती है, यानी जो लगाए गए हों। डिप्लाय समझते हैं बच्चों, जो तैनाती की जाती लगाए जाते हैं लोग, उनको डिप्लाय करना कहते हैं। एग्रीगेटेड, जो आपने एक साथ इकट्ठे किए हो, यहाँ एडजेक्टिव वर्ब दोनों हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ITY है, नाउन के रूप में। गोपनीयता कहते हैं आप इसे। हाइंडसाइट नाउन है, यानी एक पृष्ठभूमि। पैनिक ड्रिवन यानी एडजेक्टिव के रूप में है, अर्थात दर्द से मारा हुआ, अर्थात दर्द से भरा हुआ। रिसर्च नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। रिसर्च शोध कार्य को कहते हैं आप। यहाँ जर्नल होगा बच्चों, JOUR रहेगा, जर्नल एक पत्रिका को कहते हैं आप। साइट उदाहरण देना वर्ब के रूप में, ये जर्नल नाउन हो जाएगा आपका। एंजाइम्स नाउन है, मीन्स पाचक जो होते हैं। मॉर्टलिटी ITY नाउन है, मृत्यु मौतों को कहते हैं। कंक्लूजन्स SIONS नाउन है, निष्कर्ष। कंपाइल वर्ब है, एकत्र करना, संकलित करना। असेसमेंट MENT नाउन है, आकलन। ऑब्वियस OUS एडजेक्टिव है, अस्पष्ट। अप्रेजल SAL है अप्रेज में, यानी नाउन की तरह है, आकलन या अनुमान जिसको आप कहते हैं। प्रोसेस नाउन है, प्रक्रिया। एंटी मलेरियल ये एडजेक्टिव है आपका, यानी एंटी मलेरिया से संबंधित, एंटी मलेरिया संबंधित। पेंडिंग ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, विचाराधीन के सेंस में। फैसिलिटेट ATE है, वर्ब के रूप में, सुगम बना देना, आसान बना देना। एट्रीब्यूटेड टू फ्रेज के रूप में है, किसी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना। पोटेंशियल एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, मीन्स जो जिसके अंदर क्षमता हो, जो बड़ा हो। लेबर इंटेंसिव एडजेक्टिव है, अर्थात जो जिसमें बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता हो। अपेक एडजेक्टिव है, अर्थात अस्पष्ट। डिसइंटरेस्टेड अर्थात जिसकी जिनका कोई पक्ष न हो, अर्थात निष्पक्ष एडजेक्टिव के रूप में। कंज्यूमिंग जो कंज्यूम करता हो, लगता हो। प्रोटेक्ट सुरक्षित करना, वर्ब के रूप में। ट्रीट दावत होगा, नाउन के रूप में। और व्यवहार करना, इलाज करना, वर्ब के रूप में। विदड्राइंग एडजेक्टिव भी हो जाएगा, वर्ब भी हो जाएगा, वापस लेने का कार्य। ट्रिगर यहां नाउन के रूप में भी हो सकता है, जीरण के रूप में भी। ट्रिगर शुरू करना, आरंभ करना। एस्टिमेट्स नाउन है, मतलब अनुमान। कंसर्न नाउन है, चिंता। एस्पर्शंस नाउन है, SIONS मीन्स आक्षेप, निंदा। इंट्रोस्पेक्टेड वर्ब या एडजेक्टिव है, आत्ममंथन करने का कार्य। एनालिसिस SIS नाउन है, मीन्स विश्लेषण। इंस्टांस ANCE नाउन है, उदाहरण। सीक वर्ब है, तलाश करना, चाहत रखना। रिलाई वर्ब है, रिलाई मीन्स भरोसा करना, निर्भर होना, इसके साथ नॉर्मली आन लगता है। ट्रायल्स नाउन है, परीक्षण। बैकलैश मीन्स वर्ब है, नाउन है यहां पे, प्रतिक्रिया। टैली यहां वर्ब के रूप में है, मिलान करना। एक्सपर्टीज नाउन है, मीन्स विशेषज्ञता, निपुणता। स्वर्ल यहां पे मीन्स एक तरह से नाउन के रूप में कोई ऐसी चीज जो प्रसारित की जा रही हो, वो स्वर्ल है। यहां एडजेक्टिव भी हो सकता है आपका, वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। पीयर रिव्यू नाउन है आपका, पीयर रिव्यू अर्थात आपके समकक्ष जो लोग समीक्षा करते हैं, वो पीयर रिव्यू करते हैं। रेज आईब्रो असहमति उत्पन्न करना, ये फ्रेज है आपका। ब्लाइट नाउन है, कोई दाग, कोई परेशानी, कोई धब्बा। रिचेस नाउन है, धन संपत्ति। डेटा सेट नाउन है, आंकड़े। एसोसिएशंस नाउन है, मीन्स जो संगठन होते हैं या जुड़े हुए लोग होते हैं। और मेथोडोलॉजी लॉजी है, नाउन है, मीन्स कार्य करने की विधि, तरीका। ठीक है बच्चों, मैं जानता हूं ये मैंने फास्ट पढ़ाया आपको,
उसकी दो वजहें थी। पहला, मैंने थोड़ा समय उधर लिया हुआ था आपको समझाने में, और दूसरा ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू था बच्चों, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इसको शायद समझ भी नहीं पाते कि हाँ क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी वर्ड पावर इसमें जरूर देख लें, वो तैयार कर लें, कॉन्सेप्ट देख लें, पढ़ने का तरीका सीखें, कैसे कैसे धीरे धीरे हमको पढ़ना है, ये मेन मकसद रखें। तो थोड़ा समय फास्ट रहा जानबूझ करके, ताकि आपका एक्स्ट्रा समय बहुत न लगे। और अभी मैं आपको बहुत समय नहीं लूँगा आपका ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है आज। तो फिर हमेशा खुश रहें आप, और अपना सहयोग अपना समर्थन बच्चों बनाए रखें, दूसरे बच्चों को शेयर करते रहें हमेशा, ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकूँ और बढ़ा सकूँ बच्चों, ठीक है। चलिए, हमेशा खुश रहें आप। Have a nice day. Thanks for watching this video. Thanks.